class we are going to complete all the non-financial institution, 2-3 institution we are going to discuss, and after that we are going to understand that customers account, what are the types of customer account with the bank. ठीक है, तो ये हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. ओके, बिफोर दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उसके उसके कुछ टॉपिक्स जो बचे हुए हैं वो कर लेते हैं. ठीक है, लोकल एरिया बैंक मैंने करवा दिया था आपको. अच्छा, एनीवन हु कैन टेल मी व्हाट इज द स्टेटस ऑफ शेड्यूल बैंक इन इंडिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूल बैंक एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ शेड्यूल बैंक. एनीवन ऑफ यू, यू कैन टेल मी अबाउट इट. यस, शेड्यूल 2 and foreign also include a foreign banks and IIB and IBI and okay. The status of scheduled bank, likhiye status of scheduled bank. Ab jo bhi points honge, jitne bhi points honge, un sab ka shortcut. स्टेटस ऑफ शेड्यूल बैंक, स्टेटस क्या है शेड्यूल बैंक का. पहला चीज कि शेड्यूल बैंक वो बैंक है दैट इज मेंशनड अंडर द शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934. शेड्यूल 2 में जितने भी बैंक्स के नाम आए हैं, शेड्यूल 2 के जितने भी बैंक्स हैं, मतलब शेड्यूल 2 के हिसाब से जो भी उसके अंडर जितने भी कंडीशन है अगर वो अप्लाई होता है तो दे आर शेड्यूल बैंक. क्लियर हो गए बात, समझ में आए पॉइंट, सारे पॉइंट क्लियर हो गए. ओके, लिखिए शेड्यूल बैंक. पहला लिखिए, स्टेटस में लिखिए, स्टेटस से पहले लिखिए कि द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल बैंक इज डिटरमाइंड अंडर और परमिसिबल अंडर, द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स इज परमिसिबल अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 यानी कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड बैंक परमिसिबल अंडर आरबीआई एक्ट 1934. यानी जो भी आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा परमिसिबल है सिर्फ वही शेड्यूल्ड बैंक है, और उसके अलावा शेड्यूल्ड बैंक जो है जिनका नाम इंक्लूडेड है सेकेंड शेड्यूल. आगे लिखिए, the status of scheduled bank is conferred upon a bank is conferred s c o n f e r r e d conferred upon a bank when its name is included in the second schedule of the RBI Act 1934. यानी 1934 के RBI Act के Schedule 2 में जिनका नाम है और जो भी बैंक परमिसिबल है शेड्यूल 2 के हिसाब से सिर्फ वही बैंक कौन से बैंक होंगे शेड्यूल बैंक. अगर हम सेक्शन 42B देखें, किसका सेक्शन 40 बाद में कर लेना, अगर हम सेक्शन 42 का सब क्लॉज बी देखें, 42 का सब क्लॉज बी, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि आरबीआई ने सेकेंड शेड्यूल में इम्पावर किया है बैंक को कि वो बेसिकली बैंकिंग बिजनेस इंडिया में रन कर सकते हैं जब ये सारे कंडीशंस उसमें अप्लाई होंगे. अब वो सारे कंडीशंस क्या हैं, आई बस समझ में, शेड्यूल 2 जो है आरबीआई एक्ट का 1934 का, जिसने जितने भी बैंक के नाम को लिखा है वो सारे तो आएंगे ही आएंगे आपके शेड्यूल बैंक में, उसके अलावा वही बैंकिंग बिजनेस जो है वो इंडिया में कर सकते हैं जो ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे. अब वो सारी कंडीशंस क्या है, पहला कंडीशन है जिसका पेड अप कैपिटल और एग्रीगेट वैल्यू 5 लाख से कम ना हो. आई बात समझ लो सर, जिसका कैपिटल एग्रीगेट वैल्यू या कैपिटल 5 लाख रुपए से कम ना हो, यानी अगर 2 लाख 3 लाख होगा तो शेड्यूल बैंक में नहीं आएगा. तो जिसका पेड अप कैपिटल 5 लाख से कम ना हो. सेकंड कंडीशन क्या है कि इट मस्ट सेटिस्फाइज द आरबीआई द रिजर्व बैंक दैट इट्स अफेयर्स आर नॉट बीइंग कंडक्टेड इन द मैनर दैट डिटर
डिट्रीमेंटल टू इंटरेस्ट ऑफ इट्स डिपॉजिटर. यानी कहने का मतलब है जो आरबीआई के द्वारा इंटरेस्ट रेट तय किया जाएगा उसी हिसाब से आप डिपॉजिट्स वगैरह जो भी करना है वो आप करोगे. ठीक है, तो रिजर्व बैंक जो है वो उसका सारा का सारा कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, और वो इस तरीके से कंडक्ट ना किया जाए जो डिपॉजिटर के अपने हिसाब से जिसमें आप इंटरेस्ट सेट करो. यानी इन शॉर्ट समझो आरबीआई जिसका इंटरेस्ट सेट करेगा. क्लियर है? थर्ड है वो क्या हो सकता है और ये कौन कौन बैंक हो सकते हैं जो आपके शेड्यूल बैंक होंगे. पहला होगा अ कोऑपरेटिव बैंक. कौन हो सकता है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो सकता है और वैसी कंपनी हो सकती है जो डिफाइन है अंडर कंपनीज एक्ट 1956. कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया? बैंक भी प्राइवेट लिमिटेड होता है ना, लिमिटेड होता है ना, तो बैंक कंपनी की तरह जब रजिस्टर हो जाएगा तो वो कंपनी बन जाता है. ठीक है, लेकिन उसका बिजनेस क्या होता है? बैंकिंग बिजनेस होता है. क्लियर? तो इन शॉर्ट लिख सकते हैं कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो उस समय थे 1904 के अंदर कुछ थे ना स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, वो भी शेड्यूल बैंक हो सकते हैं लेकिन सारे नहीं, याद रखना. ठीक है, कंपनी जो है अगर कोई बैंक कंपनी की तरह चल रहा है और जो कंपनी इज एक्ट 1956 में रजिस्टर हो गया तो वो भी शेड्यूल बैंक हो सकता है. और कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस रिगार्ड में उस इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट किया गया हो वो भी आपका शेड्यूल बैंक हो सकता है. लेकिन उसको स्टार्ट करेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट. क्लियर है? और कोई भी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन और कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुआ किसी लॉ के द्वारा लेकिन और इवन वो आउटसाइड इंडिया भी है तो लेकिन वो इंडिया के लॉ के हिसाब से उसको स्टार्ट किया गया. ठीक है, तो वो भी आपका शेड्यूल बैंक हो सकता है. आईसीआईसीआई बैंक है, उसका बहुत सारा ब्रांच इंडिया से बाहर भी है, पता है ना? पता है कि नहीं ये चीज? हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में वो भी बैंक जो है आपके इंडिया में ही वो आपके शेड्यूल बैंक में ही आएगा. ठीक है, प्राइवेट कंपनीज वाले बैंक भी शेड्यूल बैंक आएंगे. इंडिया से बाहर अगर कोई कॉर्पोरेशन हो या इनकॉर्पोरेट किया गया हो किसी को लॉ के द्वारा एक्ट के द्वारा लाया गया जैसे आरबीआई एक्ट के थ्रू आया है ना. आरबीआई किसके थ्रू आया है? आरआरबी एक्ट के थ्रू आया है ना. तो ऐसे सिचुएशन में ये वाले बैंक भी आपके क्या होंगे? शेड्यूल बैंक होंगे. ठीक है, और जिनका नाम शेड्यूल बैंक में नहीं होगा वो जो भी एक्सक्लूडेड होंगे शेड्यूल बैंक से वो सारे किसमें आ जाएंगे? नॉन शेड्यूल बैंक में. क्लियर हो गई बात? समझ में आया? ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि नॉन शेड्यूल बैंक इलीगल है, ऐसा कुछ नहीं है. नॉन शेड्यूल बैंक भी रजिस्टर्ड है आरबीआई के द्वारा, ऐसा नहीं है. जैसे आपके लोकल एरिया बैंक से बहुत सारे बैंक जो है वो आरबीआई के द्वारा ही रजिस्टर्ड है लेकिन स्टिल वो आपके नॉन शेड्यूल बैंक है क्योंकि वो सारे कंडीशन शेड्यूल बैंक के फुलफिल नहीं कर रहे हैं. आई बात समझ में? ऐसे बहुत कम बचे हैं ऐसे भी लोकल एरिया बैंक. चलिए, अगर मिनिमम वैल्यू ऑफ पेड अप कैपिटल रिजर्व की बात करें तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, 5 लाख वाला पॉइंट. ठीक है, डिपॉजिटर इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक जो है वो ये बोलता है कि जो भी अफेयर्स होगा बैंक का वो इस तरीके से होना चाहिए जो कि डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में ना, मतलब डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में हो लेकिन बैंक का 100% खुद इंटरेस्ट ना हो. आरबीआई के हिसाब से पॉलिसी के हिसाब से आपको चलना है. ठीक है, रिजर्व बैंक कहता है कि बैंक का अफेयर कैसा होना चाहिए? क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए, यानी कि वहां पर प्रॉपरली मैनेज हो रही है सारी चीजें. आपके लिक्विड रिसोर्स जो है, लिक्विड रिसोर्स का मतलब समझते हो, कैश की अवेलेबिलिटी. तो कैश की अवेलेबिलिटी जो होगी वो रिजर्व बैंक तय करेगा कि आप कितना कैश अवेलेबल रख सकते हो अपने बैंक में. ठीक है, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. ऐसा ना हो कि आपके जो डिपॉजिटर्स हैं या आपके जो कस्टमर्स हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और आपने उसका पैसा इधर उधर कर दिया. नो, आपको सेफ्टी भी प्रोवाइड करना है इन्वेस्टमेंट में. इसीलिए आपको पता होगा घर पे भी पैसा रखने से अच्छा बैंक में रखना है, ये घर वाले बहुत ज्यादा बोलते हैं, बिकॉज देयर इज सेफ्टी इन द बैंक. ट्रू? क्लियर है? फाइनेंशियल साउंडनेस होना चाहिए. फाइनेंशियल साउंडनेस की मतलब आपकी स्टेबिलिटी जो होनी चाहिए और फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर होनी चाहिए एज अ बैंक. क्लियर हो गई बात? तो ये आपका सेकेंड हुआ. अब आपके शेड्यूल बैंक्स जो है, शेड्यूल बैंक्स जो है उसमें आपके कुछ डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में भी बोला गया है. चूंकि डेवलपमेंट बैंक्स नाम है लेकिन स्टिल दे आर नॉट डूइंग अ कोर फंक्शन लाइक बैंक्स. कोर फंक्शंस जो बैंक के होते हैं वैसा वो फंक्शन नहीं करता है. तो वो क्या करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. कैमरा ऑन करो. अर्पित, अभिषेक, प्रिया, में शेड्यूल बैंक में, अच्छा एक बात बताओ,
सो शेड्यूल बैंक में कॉमर्शियल बैंक्स के अलावा कुछ और भी ऐसे डेवलपमेंट बैंक्स हैं जो इंडिया में काम करते हैं, ठीक है। अब वो डेवलपमेंट बैंक्स कौन कौन से हैं? पहला और डेवलपमेंट बैंक है ऑल इंडिया बेसिस पर और स्टेट लेवल पे। कौन से बेसिस पे है? ऑल इंडिया बेसिस पर और कुछ स्टेट लेवल पे। अब ऑल इंडिया बेसिस पे कौन कौन से डेवलपमेंट बैंक काम करते हैं वो सब लिखते जाओ, जो भी मैं बोलती हूँ पॉइंट्स लिखते जाओ, ठीक है। सो डेवलपमेंट बैंक्स जो है वो दो तरीके से काम करते हैं, ऑल इंडिया लेवल यानी सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, ठीक है। अब वो कौन कौन से होंगे डेवलपमेंट बैंक्स? ये शेड्यूल बैंक्स इन इंडिया नहीं है, दे आर डेवलपमेंट बैंक्स। इनको याद रखिए कि डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं या डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो ऑल इंडिया में आएगा एक तो सिडबी आएगा, तो मैंने सिडबी पहले ही करवा दिया है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो वो एक एपेक्स बैंक की तरह काम करता है। अर्लियर इट वॉज स्टार्टेड एज अ सब्सिडियरी बैंक ऑफ IDBI, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का एक सब्सिडियरी बैंक की तरह सिडबी स्टार्ट हुआ था। कभी आया था सिडबी? 1990 में आया था। बाद में ये अपने आप में एक बैंक बन गया और IDBI से ये बैंक अलग हो गया, ठीक है। तो सिडबी है वो भी डेवलपमेंट बैंक है, और ये किस चीज का डेवलपमेंट पे ध्यान देता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज, ठीक है, स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज है उनके डेवलपमेंट पे ये फोकस करता है। सिडबी हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट इज IFCI। इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया, आई थिंक IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया, IFCI। हाँ, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल, ठीक है। और ये स्टार्ट हुआ था 1948 में, एस्टैब्लिश हुआ था। याद रखिएगा ये एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और इसको स्टार्ट किया गया था जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में इसको स्टार्ट किया गया 1948 में, ठीक है। और अभी करेंटली जो IFCI है उसके 7 सब्सिडियरीज अभी हैं अवेलेबल, ठीक है। ये क्या करता है? फाइनेंशियल सपोर्ट करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इट इज अ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। IFCI, द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखो IIBI। इसका भी फुल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IIBI, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, गवर्नमेंट ओन्ड, जैसे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में स्टार्ट हुआ था, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट था, ठीक है। कौन? IIBI, ठीक है। और इसका स्टार्ट ये हुआ था 1971 में, लेकिन 2012 में इसको क्लोज कर दिया गया, इसका इंसेप्शन को क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया 2012 में। इसका स्टार्ट हुआ था 1971 में, ठीक है। और इसका मेन एम पता क्या था IIBI का? 2012 में दैट इट्स इंसेप्शन वॉज क्लोज, मतलब इसको क्लोज कर दिया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2012 में। 1971 में स्टार्ट किया गया, 2012 में ये क्लोज हो गया, यानी बंद हो गया। लेकिन इसका मेन मकसद क्या था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक? इसका क्या मेन रीजन था इसको एस्टैब्लिश करने का? टू रिहैबिलिटेट द सिख इंडस्ट्रीज। सिख इंडस्ट्री समझते हो क्या होता है? सिख इंडस्ट्रीज वैसे इंडस्ट्रीज हैं, हाँ, जो बेसिकली रन प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं और जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी नहीं ले पा रहे हैं। प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, बट दे कैन नॉट एबल टू टेक द इन्वेस्टेड अमाउंट, वट एवर इज इन्वेस्टेड टू स्टार्ट द इंडस्ट्री, जस्ट इमेजिन। तो ऐसी इंडस्ट्रीज क्या होते हैं? सिख इंडस्ट्रीज होते हैं, यानी कि जो, और फिर बाद में वो भी सिख इंडस्ट्री में आएंगे जो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे, ठीक है।
तो वैसे इंडस्ट्रीज को रिहैबिलिटेट करना, उसको उनमें इन्वेस्टमेंट करना या इन्वेस्टमेंट करवाना, उसको बेटर पोजीशन पे लेकर आना, ये काम था आपके आईआरबीआई का। और इसके लिए बेसिकली बहुत टाइप के लोन देते थे और ये प्रोजेक्ट फाइनेंस में भी इन्वेस्ट करते थे। प्रोजेक्ट फाइनेंस समझते हो, जैसे कोई प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया में तो उसमें भी फाइनेंस करते थे, पैसा लगाते थे। ठीक है, तो वो ये जो आईआईबीआई था इसका मेन मकसद ये था। लेकिन अब 2012 में क्या हो चुका है, ये क्लोज हो चुका है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आई गेस क्लियर है सबको। फिर आईएफसीआई समझ में आया, दैट वाज स्टार्टेड इन 1948। उसका भी मेन रीजन था फाइनेंस करना इंडस्ट्रीज को, डाइवर्सिफाई करना उसके ग्रोथ को। ठीक है ना, क्लियर है। और 1948 में इसलिए भी आया था क्योंकि आईपीआर 1948 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया था 1948 में, और आईपीआर के हिसाब से आपकी इंडस्ट्रीज में बहुत सारी चेंजेस आई थी, तो उसी समय ये आईएफसीआई आया। अब आईआईबीआई जब आया, आईआईबीआई 1971 में आया टू रिहैबिलिटेट द सिक इंडस्ट्रीज। सिक इंडस्ट्रीज, बीमारू जो इंडस्ट्रीज है उनको बेटर सही सिचुएशन पे लेकर आना, उन पे इन्वेस्टमेंट करना, प्रोजेक्ट फाइनेंस वगैरह पे इन्वेस्टमेंट करना, ये काम था इसका आईआईबीआई का। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए स्टेट लेवल पे कौन कौन से बैंक है, स्टेट लेवल वाले सारे बैंक्स लिखिए। स्टेट लेवल में सबसे पहला होगा स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, SFC जिसको बोलते हैं हम लोग, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, SFC। ठीक है, नेक्स्ट है आपका SIDCS, स्टेट इंडस्ट्रियल, SIDC और नीचे स्मॉल में S, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, चलिए, और एक और है स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। आईआईबीआई था ना, आईआईबी क्या था, हाँ, और ये था आपका सबसे पहले एसएफसी, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और लास्ट में था स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, क्लियर हो गया, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। चलिए सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्लियर करते हैं, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एसएफसी क्या है। तो एसएफसी जो है अभी फिलहाल 18 स्टेट्स में प्रेजेंट है, रिसेंट का एक बार डेटा फिर भी चेक कर लेना। ठीक है, एक्सेप्ट तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, तमिलनाडु में अपना तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है, उसके अलावा लगभग ये हर एक स्टेट में प्रेजेंट है क्योंकि स्टेट लेवल के क्या है, कॉर्पोरेशन है। ठीक है, इसको सेटअप किया गया था एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी कि एक कंपनी की तरह इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। पता है ना आपके 1956 से पहले जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट इंडिया में चलता था। ठीक है, सो जॉइंट स्टॉक कंपनी के हिसाब से इसको 1949 में एस्टैब्लिश किया गया एसएफसी को। क्लियर है, और ये जो है ये किसके अंडर में आया, किसके अंडर में इसको लाया गया, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1951। ठीक है, 1949 में एज अ कंपनी ये सेटअप हुआ, बाद में ये एक एसएफसी मतलब स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट के थ्रू ये आया। क्लियर है, इन्होंने ऐसे कंफ्यूज कर दिया ये बात बोल करके कि पहले ये सेटअप हुआ जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरह, पर बाद में एक एक्ट को पास किया गया एसएफसी एक्ट 1951, और उसके अंडर में फिर एसएफसी आने लगा, ये स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अब ये क्या काम करता है, व्हाट इट इज वर्किंग, व्हाट इज द बेसिक एम ऑफ दिस एसएफसीज। एसएफसीज जो है वो एक एजेंसीज की तरह काम करता है जो कि डेवलपमेंट पे ध्यान देता है स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस का विद इन द रिस्पेक्टिव स्टेट। क्योंकि एसएफसी स्टेट लेवल पे है, तो अगर वो बिहार में है तो सिर्फ और सिर्फ बिहार के एरिया में इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट की बात करेगा। आई बस समझ में, अगर वो इंडस्ट्री जो अगर वो दूसरे स्टेट में है जैसे झारखंड में है, तो झारखंड के सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेगा, वहां के इंडस्ट्रीज एसएफसी होगी। मैं पॉइंट्स एड ऑन कर रही हूँ, जो एसएफसीज है ना वो 18 है टोटल, कितने हैं 18 है, लेकिन सिर्फ 17 ही जो है वो आपके एसएफसी एक्ट 1951 के अंडर में रजिस्टर्ड है और या तो वो काम करता है। ठीक है, जो एक तमिलनाडु का जो स्टेट कॉर्पोरेशन है ना वो एक्सेप्ट है, मतलब उसको इंक्लूड किया गया 18 में, लेकिन वो एक्सेप्ट है 1951 एक्ट के थ्रू, वो नहीं काम करता है।
ठीक है, एक्सेप्शन इज देयर, क्लियर है। और अभी वो 18 जगह पे है और ये इस्टैब्लिश हुआ था, मतलब इस्टैब्लिश करना और उसको लागू करना, लागू हुआ था 1951 के हिसाब से, इस्टैब्लिश हुआ था कंपनीज एक्ट के थ्रू, क्लियर है। इसके अलावा इसमें अभी ऑर्गेनाइज बोर्ड है, इसमें 10 डायरेक्टर्स होते हैं जो मैनेज करते हैं एसएफसी को, और स्टेट गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करता है। कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट लेवल पे काम करता है, ठीक है। और आरबीआई जो है नॉमिनेट करता है 3 डायरेक्टर को, ठीक है, यानी 10 में से जो आपके स्टेट गवर्नमेंट है वो मैनेजिंग डायरेक्टर्स को जनरली अपॉइंट करता है, और बाकी डायरेक्टर्स को, और 3 डायरेक्टर्स को आरबीआई क्या करता है, उसी 10 में से 3 को आरबीआई जो है वो अपॉइंट करता है, क्लियर हो गया। और एसएफसी का मेन फंक्शन क्या है, तो शॉर्टकट में सुन लो, एसएफसी जो है ये मेन काम करता है लोन देने का, और लोन किस चीज के लिए देता है, फॉर व्हाट पर्पस दे आर गिविंग लोन, दे आर गिविंग लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, भाई आपके इंडस्ट्रीज लेवल के लिए। साथ साथ में दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रियल यूनिट, कौन से यूनिट को देता है ये, इंडस्ट्रियल यूनिट को, और जिसका पेड अप कैपिटल 3 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए अभी तक, लेकिन ये एक्सटेंड हो सकता है 30 करोड़ तक अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा तब। यानी कि एसएफसी का काम क्या है, दैट इज प्रोवाइडिंग लोन फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड, प्लांट, मशीनरी, बट ध्यान देना है कि उनका पेड अप कैपिटल 3 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं होगा, लेकिन 30 करोड़ तक एक्सटेंड हो सकता है अगर इसका नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट देगा तब। कंडीशन अप्लाइड, समझ में आया। एसएफसी जो है ये आपका शेयर्स, स्टॉक्स, डिबेंचर जो है उसके इंडस्ट्रियल यूनिट की जो जो आपके शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह उनको भी अंडरराइट करने का काम करता है, ठीक है। एसएफसी जो है वो लोन भी देता है, रेज करता है लोन फॉर द शेड्यूल बैंक, इंडस्ट्रियल कंसर्न और कोऑपरेटिव बैंक, और जिसका आप प्रीपेबल कर सकते हो 20 साल, यानी लॉन्ग टर्म लोन ज्यादातर देता है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। एसएफसी क्या है, क्लियर हो गया ना, डन, क्लियर हो गए यहां तक। अब नेक्स्ट वन जो है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो स्टेट एसआईडीसी जो है बेसिकली, ये जो सेटअप हुआ था स्टेट गवर्नमेंट एज कंपनीज होली ओन्ड बाय देम, यानी वो ऐसा कंपनी था जिसको पूरा ओन किसने कर रखा था, स्टेट गवर्नमेंट ने। यानी जब कंपनी का 100% शेयर आप परचेज कर लेते हो तो क्या हो जाता है, वो आप उस कंपनी के क्या हो जाते हैं, पेरेंट कंपनी बन जाते हो, आप उसको होल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसको सेटअप किया गया था स्टेट गवर्नमेंट में एज अ कंपनी, लेकिन उसका पूरा शेयर किसके हाथ में था, स्टेट गवर्नमेंट, समझ में आया यहां तक। अभी फिलहाल 22 एसआईडीसी जो है वो फंक्शन कर रहा है इंडिया में, ठीक है, और नॉट मेयरली फाइनेंसिंग एजेंसी की तरह नहीं, लेकिन ये काम किस चीज के लिए कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंडिया में। आई बस समझ में, एसआईडीसी दैट इज आल्सो हियर फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन पर्पस, क्लियर है। चलिए आई थिंक इतना काफी है। एसआईडीसी कब एस्टैब्लिश हुआ था, चलिए, सो एसआईडीसी जो है करेंटली 28 हो चुका है, ठीक है, और एसआईडीसी जो है इंक्रीज हो रहा है इंडिया में, नंबर इंक्रीज हो चुका है, पहले कितना बताया था मैंने, अभी 28 है। मेन ऑब्जेक्टिव एसआईडीसी का क्या है, भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन है इंडिया में। और एसआईडीसी जो है ये क्या क्या चीजों का काम करता है, क्या क्या फंक्शन करता है एसआईडीसी, हाँ, So it came in India in, मतलब it was established in India in 1995 and it basically registered under the Companies Act 1956. Yes, yes, Abhijit, बोलो। Finance करना, 20 long term loans वगैरह provide करना इसमें, 20 years तक आपको gap दिए time दिया जाता है जहां पर आप repayment कर सकते हो loan वगैरह का, industries को loan देना, finance अगर आपको land, building कुछ भी acquire करना है तो उसके लिए loan वगैरह provide करना, हाँ, ठीक है, तो ये इसका मेन फंक्शन है। चलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, और अब लिखिए एसएफसी में, एसआईडीसी में,
एसआईडीसी में लिखिए कि एसआईडीसी अभी कितना है, नंबर कितना हो चुका है इसका, 28 हो चुका है, अर्लियर इट वाज 22, और इसका मेन वही रीजन है इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंक्रीज करना। और ये जो है ये क्या क्या फंक्शन करता है, ये फाइनेंसिंग करता है यानी इंडस्ट्रीज को फाइनेंस देता है, उसके अलावा और भी बहुत सारा फंक्शन करता है, पता है क्या क्या फंक्शन करता है, लिखो द वेरियस फंक्शंस द एसआईडीसीज आर परफॉर्मिंग इन द स्टेट लेवल। क्या क्या फंक्शन है, मेजर तो है कि इंडस्ट्रीज को फाइनेंस देना, पैसा देना, फाइनेंस पैसा लगाना, उसके अलावा अरेंज करता है पावर को, अरेंजिंग द पावर, लैंड, लैंड्स, रोड, लाइसेंस, ये सब भी चीजों में ये बेसिकली हेल्प करता है, यानी रोड्स, लाइसेंस में, हाँ, लैंड्स में, रोड में, जैसे इंडस्ट्रीज के पास इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना है, लैंड चाहिए, लैंड रिक्वायरमेंट, तो उसमें भी हेल्प करता है, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करता है, लाइसेंस वगैरह इंडस्ट्रीज को चाहिए, पता है ना बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसे होते हैं जिसकी जिसको लाइसेंस चाहिए, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होते हैं वो, अल्कोहल, लाइसेंस चाहिए, ड्रग्स, लीकर, और उसके अलावा आपका जो आपका क्या बोलते हैं उसको, केमिकल इंडस्ट्रीज जो हार्मफुल केमिकल में डील करते हैं, सब ये सारे इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए होता है, लाइसेंस चाहिए होता है स्टार्ट होने से पहले, दैट इज एग्जैक्टली क्रैकर्स आ जाएगा, जो हैजर्डस सिचुएशन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे किसी को हार्म हो सकता है, वैसे मेजोरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज जो है उनको लाइसेंस चाहिए होता है बिफोर एस्टैब्लिशिंग दैट इंडस्ट्री। यानी आप ये चीज शुरू करना चाह रहे हो तो इसके लिए आप पहले लाइसेंस लेंगे तो भी तो ही आपको परमिशन मिलेगा, विदाउट लाइसेंस अगर आपने शुरू कर दिया द इलीगल इंडस्ट्री क्या बन जाएगा, वो इलीगल। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, और इसका एक और काम है, दे आर बेसिकली स्पॉन्सरिंग सो मेनी यूनिट्स इन द बैकवर्ड एरियाज, यानी बैकवर्ड एरियाज के डेवलपमेंट पे, यानी रीजनल डेवलपमेंट पे भी ये काम करता है, बैकवर्ड एरियाज में ये स्पॉन्सर करता है यूनिट्स को, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है। 1995 में बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था, मैंने बताया दिया एस्टैब्लिश हुआ था। उसके अलावा ये यहाँ तक क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया, तो ये इसके फंक्शन है एसआईडीसी के, एसएफसी का भी क्लियर हो गया। चलिए उसके अलावा स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक स्टार्ट करते हैं। अब कुछ स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट बैंक भी है, स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट बैंक में कौन कौन से हैं, जैसे टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उसके अलावा कुछ आपके हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस तो मैंने करवा ही दिया था आपको, याद है ना, एचडीएफसी भी पता है ना क्या है, एचडीएफसी का फुल फॉर्म क्या है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एग्जैक्टली हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। कुछ इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन क्या होगा, जैसे आपका एलआईसी, ठीक है, एलआईसी, जीआईसी, एलआईसी क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, न्यू इंश्योरेंस लाइफ कंपनी है, उसके अलावा कुछ म्यूचुअल फंड्स की भी कंपनी जैसे यूटीआई है, तो ये सारे आपके किसमें आएंगे, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस में। ओके, आई थिंक इतना काफी है इसमें, इस टॉपिक में, एलआईसी वगैरह ये सब, आईसी, यूटीआई, ये सारे के सारे किस चीज के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में आया था, स्टैट्यूटरी बॉडी है, पब्लिक सेक्टर का है, ठीक है। चलिए अभी आप लोगों को डेवलपमेंट बैंक्स बताया, तीन आपका किसमें था, सेंट्रल गवर्नमेंट में, और तीन था स्टेट गवर्नमेंट में, उसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस भी है, ठीक है, कुछ हाउसिंग बैंक्स भी है, हाउसिंग बैंक भी है आपके, ये सारे आपके जो टॉपिक्स हैं इससे। नेक्स्ट वन इज स्पेशल टाइप्स ऑफ बैंकर्स कस्टमर का टॉपिक, माइनर। अच्छा, माइनर कौन होते हैं, जो बिलो 18 होंगे, ठीक है, अ पर्सन हु इज नॉट कंप्लीटेड द 18 इयर्स ऑफ हिज लाइफ, अगर 18 साल भी अपने लाइफ का उसने, मतलब वो मत कॉन्सेप्ट समझ लेना कि अगर उसने 18 भी अटेम्प्ट नहीं किया, यानी 18 साल तक भी वो नहीं पहुंचा है, ठीक है, उसके लाइफ साइकिल अभी वहीं पर है, 16, 14, 10, 18 उसने नहीं टच किया, तो दैट पर्सन इज नोन एज माइनर, ठीक है। अब ऐसे जो पर्सन होते हैं वो क्या होंगे, वो रिमेन माइनर रहेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, इफ अ गार्जियन ऑफ हिज पर्सन और प्रॉपर्टी
is appointed by court before he complete 18th years, he remained minor till he completed his 21st year. यानी कि अगर 18 साल में वो पर्सन लीगल राइट हो जाएगा कि वो बैंक अकाउंट ये सब ओपन करा सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, किस चीज की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, तो वो पर्सन तब तक रहेगा आपका माइनर जब तक वो 21 ईयर ओल्ड नहीं हो जाता है। ये कोर्ट ने कहा है, आई बात समझ में, कि माइनर जो है वो 18 से कम एज है तो वो माइनर है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन लगाया गया है कि अगर उस माइनर की प्रॉपर्टी, मान लो कि माइनर था 15 इयर्स था, उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, उसका प्रॉपर्टी किसी को किसी मतलब कोर्ट ने किसी पर्टिकुलर एक पर्सन को दे दिया, ठीक है, अब वो पर्सन के पास राइट तब तक रहेगा उसके प्रॉपर्टी का जब तक वो 21 इयर्स का नहीं हो जाता। तो प्रॉपर्टी के मामले में माइनर का मतलब है 21 से कम, मतलब राइट तभी मिलेगा जब उसकी एज कितनी हो जाएगी, 21 इयर्स हो जाएगी। क्लियर? ही रिमेन्स माइनर टिल द कंप्लीट हिज 21st ईयर। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की अगर हम बात करें, तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कि कभी भी कोई माइनर कैपेबल नहीं होता है किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, यानी कि माइनर इज नॉट कैपेबल टू एंटरिंग इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में गलती से एंटर हो भी गया माइनर, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ठीक है, तो माइनर कभी भी कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है। क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट जो है, अगर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ नेसेसरीज ऑफ लाइफ टू अ माइनर इज हाउएवर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो उसकी लाइफ से रिलेटेड है, जरूरी है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम 18 ईयर्स से अगर आपका एज कम है तो आप कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कि बैंकर को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए इफ दे आर डीलिंग विद द माइनर। पहला कि 2014 में आरबीआई ने एडवाइस दिया बैंक को, क्या एडवाइस दिया, कि दैट अ माइनर ऑफ एनी एज, यानी कोई भी अगर माइनर है किसी भी उम्र का, कोई भी एज का, तो वो ओपन कर सकता है सेविंग फिक्स्ड एंड रिकरिंग अकाउंट इन द बैंक। सेविंग भी ओपन कर सकता है, फिक्स्ड अकाउंट भी, रिकरिंग अकाउंट भी ओपन कर सकता है, लेकिन ओपन किसके थ्रू करेगा, हिज और हर जो आपका नेचुरल गार्जियन है उसके थ्रू। नेचुरल गार्जियन कौन होंगे, जो आपके बायोलॉजिकल गार्जियन होंगे, ठीक है, तो नेचुरल गार्जियन के थ्रू या लीगल गार्जियन के थ्रू, जिनको लीगैलिटी मिली है कि वो उसके गार्जियन है, उनके थ्रू वो कोई भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं किसी भी एज ग्रुप के। लेकिन माइनर जिसकी उम्र 10 साल से ज्यादा है, द माइनर हुज एज इज मोर देन 10 इयर्स, that they are allowed to open and operate the saving account independently। यहां तक concept समझ में आया कि जो भी 2014 के guidelines RBI के द्वारा ये बोला गया है, bank को ये कहा है RBI ने कि किसी भी उम्र के बच्चे, यानी कि आप कह सकते हो किसी भी बच्चे का, minor का account आप open कर सकते हो, लेकिन open किसके through करोगे, गार्जियन के थ्रू, नेचुरल या फिर लीगल गार्जियन के थ्रू। क्लियर हो गई बात? और आगे ये बोला गया है कि जो बच्चा 10 साल का है, 10 इयर्स या फिर 10 इयर्स से अबव का, वो इंडिपेंडेंटली यानी विदाउट द पेरेंट्स दे कैन ऑपरेट एंड मैनेज द बैंक अकाउंट। क्लियर हो गई बात? यानी अकाउंट को वो मैनेज कर सकते हैं बच्चे जो 10 या 10 साल से ऊपर के हैं, लेकिन अकाउंट सबका खुल सकता है, कोई भी टाइप का, फिक्स, रिकरिंग, कोई भी टाइप का। ठीक है, अब आगे ये है, इन सच केस बैंक जो है वो कुछ लिमिट लगा देती है, फिक्स कर देती है लिमिट ऑफ एज एंड अमाउंट ऑन द माइनर, यानी माइनर के लिए कोई लिमिट या अमाउंट फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, जिस उतना ही अलाउड है, जितना बैंक ने अलाउ किया है माइनर को ऑपरेट कर सकता है, उतना ही अमाउंट।
ठीक है, और डिपॉजिट भी कर सकता है पैसा इंडिपेंडेंटली, जिसको बहुत लोगों को पॉकेट मनी मिलता है 500 रुपए, इफ दे वांट टू डिपॉजिट इट दे कैन डू दैट एज वेल। ठीक है, जो मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है माइनर का अकाउंट को ओपन करने के लिए, जो मिनिमम आपका रिक्वायरमेंट है ओपनिंग करने का, वो क्या होगा, बैंक खुद डिसाइड करेगा कि उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए किसी माइनर का अकाउंट ओपन करने के लिए। क्लियर होगी बात, यहां तक कौन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया कंडीशन माइनर का। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, माइनर को मैं कंप्लीट करवाऊंगी फिर से, इसमें शॉर्टकट में पॉइंट्स लिखते चलना सब लोग, सारे बच्चे। क्लियर हो गया एवरीवन? ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट।